बच्चों, प्रीवियस वीडियो में 11th स्टैंडर्ड के एलिमेंट बुक के चैप्टर लिमिट एंड डेरिवेटिव की एक्सरसाइज 13.5 का मैंने आपको बेसिक बताया था। उसकी कुछ ट्रिक्स बताई थी कि भाई अगर लिमिट इन्फिनिटी आ जाए और एलजेब्रा पी बाई क्यू की फॉर्म में आ जाए तो आपने क्या करना होता है, डायरेक्ट आंसर कैसे आता है और एक्सप्लेनेशन से कैसे आता है। तो उसके ऊपर कुछ क्वेश्चन भी मैंने आपको करके दिखाए थे। आज हम जो है एक्सरसाइज 13.5 को कंप्लीट करेंगे इस वीडियो में। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। सबसे पहले ट्रिक के अकॉर्डिंग मैं इसका आंसर लिख देता हूँ। इसका आंसर आ जाएगा 0, ठीक है ना। करना क्या आपने, देखो इसमें तो डायरेक्ट लिमिट ही पुट करनी है। इन्फिनिटी पुट किया हमने यहाँ पर, इन्फिनिटी का स्क्वायर आप जानते हो इन्फिनिटी होगा और 1/∞ क्या हो जाएगा, 0। इसमें भी आंसर क्या आ जाएगा बच्चों, 0, क्योंकि लिमिट अगर यहाँ पर हम पुट करें इन्फिनिटी 1-∞ विद स्केयर तो 1 में से इन्फिनिटी जाएगा तो इन्फिनिटी ही गया, इन्फिनिटी है ये 1-∞ या 1+∞ ऑलरेडी क्या होगा, इन्फिनिटी। इन्फिनिटी का स्केयर क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी, और 1/∞ आ जाएगा 0। इसका आंसर आएगा बच्चों 1/1। मैंने आपको तीन ट्रिक बताई थी। अगर अपर पार्ट की पावर लोअर पार्ट की पावर से लेस है, यानी कि कम पावर है अपर पार्ट की लोअर पार्ट से, तो आंसर हमेशा आएगा 0। और अगर पावर बड़ी है, यानी कि अपर पार्ट की पावर लोअर पार्ट की पावर से ग्रेटर है, देन आंसर विल बी इन्फिनिटी। और अगर इक्वल पावर है तो आंसर आ जाएगा हाईएस्ट पावर के कोफिशेंट का कोसेंट, यानी कि न्यूमिरेटर की हाईएस्ट पावर उसका कोफिशेंट डिविजन में डेनोमिनेटर की हाईएस्ट पावर का कोफिशेंट, ये आंसर में आएगा। जैसे कि यहाँ पर क्या है, 1 इसका कोफिशेंट है और 1 इसका, तो 1/1 आंसर आ जाएगा आपका। ये डायरेक्ट मैंने आपको बता दिया आंसर। अब एक्सप्लेनेशन से करवा देता हूँ। एक्सप्लेनेशन से सभी क्वेश्चंस का एक ही मेथड है, चाहे उसमें अपर पार्ट की पावर लोअर पार्ट की पावर से ग्रेटर है, इक्वल है या लेस है, हर किसी में आपने क्या करना है, अपर पार्ट और लोअर पार्ट में बड़ी पावर डिसाइड कर लेना कौन सी है, चेक कर लेना कौन सी है। तो यहाँ पर तो सेम पावर है, तो जो भी पावर है उसी से आपने न्यूमिनेटर और डेनोमिनेटर को डिवाइड कर देना बच्चों। तो इसको एक्स की वन से मैं डिवाइड कर दूंगा, इसको एक्स की वन से डिवाइड कर दिया, इसको एक्स की वन से डिवाइड कर दिया, ये आ गया। जब ऐसा केस हो जाए कि हर किसी टर्म में, प्रत्येक टर्म इंडिविजुअल टर्म का न्यूमिरेटर जो है ना वो कॉन्स्टेंट बन जाए और सारा वेरिएबल लोअर पार्ट में पहुंच जाए, जैसे कि यहाँ पर इसके न्यूमिरेटर में एक टर्म ये थी तो एक्स था यहाँ पर, तो इसको मैंने एक्स से डिवाइड कर दिया, देखो 1 आ गया, यानी कि इसका न्यूमिरेटर क्या आ गया, इस टर्म का न्यूमिरेटर क्या आ गया, 1, लोअर पार्ट भी 1 है वैसे। इस टर्म में इस ये थे क्या थी, 1 थी, इसको एक्स से डिवाइड कर दिया मैंने तो 1/x हो गई, यानी कि न्यूमिरेटर कॉन्स्टेंट रहे यहाँ पर। इसका न्यूमिरेटर क्या था, एक्स था, अगर केवल इसको देखा जाए तो एक्स से डिवाइड करके अब इसका न्यूमिरेटर क्या बना दिया मैंने, 1, यानी कि अपर पार्ट लोअर पार्ट में जो भी हाईएस्ट डिग्री की टर्म है उसी से आपने न्यूमिरेटर डेनोमिनेटर दोनों को डिवाइड कर देना है बेटा। उसके बाद लिमिट अप्लाई करनी है, तो 1-1/∞ डिवाइडेड बाई 1, और 1/∞ होता है 0, यह आ जाएगा 1-0/1 यानी कि 1। तो जैसा कि हमने पहले ही बता दिया था कि हाईएस्ट टर्म के जो कोफिशेंट है, अपर पार्ट का अपर पार्ट में लिखो, लोअर पार्ट का लोअर पार्ट में लिखो, यही आंसर हो जाना इसका। तो नेक्स्ट है बच्चों, सेकंड का फर्स्ट सेकंड थर्ड पार्ट देखिए। अपर पार्ट की पावर यहाँ पर 1 है हाईएस्ट डिग्री, लोअर पार्ट की भी हाईएस्ट डिग्री 1 है, तो यानी कि पावर क्या हो गई बच्चों, सेम हो गई। जब भी पावर सेम हो जाए बेटा, मैंने आपको ट्रिक बताई थी कि अपर पार्ट में जो हाईएस्ट डिग्री की टर्म है उसका कोफिशेंट ले लीजिए, लोअर पार्ट में जो हाईएस्ट डिग्री की टर्म है उसका कोफिशेंट ले लीजिए, और यही आपका आंसर बन जाना, यानी कि इसका, इस क्वेश्चन का आंसर आएगा 2। इसमें अगर मैं लूँ तो हाईएस्ट डिग्री का कोफिशेंट 3 हो गया और हाईएस्ट डिग्री का कोफिशेंट 2 हो गया, तो इसका आंसर आएगा 3/2। इसमें अगर हम लें तो एक्स स्क्वायर का कोफिशेंट बनेगा यहाँ पर 12 और लोअर पार्ट में एक्स स्क्वायर का कोफिशेंट बनेगा 1, तो 12 इसका आंसर आ जाएगा। लेकिन ऐसा तभी कर सकते हैं हम जब न्यूमिरेटर और डेनोमिनेटर की पावर बिल्कुल सेम हो, सेम डिग्री की हो। अगर ज़्यादा पावर आ जाए न्यूमिरेटर में, डेनोमिनेटर में कम आ जाए तो इन्फिनिटी आंसर आएगा, और न्यूमिरेटर की पावर लेस आ जाए डेनोमिनेटर से तो आंसर आएगा 0। तो फिलहाल इसको एक्सप्लेनेशन से करवा देता हूँ मैं। एक्सप्लेनेशन से मैंने आपको बताया कि एक्सप्लेनेशन में आपने ये नहीं देखना कि न्यूमिरेटर में ज़्यादा पावर है डेनोमिनेटर में है, जहाँ पर भी जितनी भी पावर ज़्यादा है उसी से आपने डिवाइड करना है।
यानी कि x की 1 से इन सबको मैं डिवाइड कर देता हूँ। यहाँ पर लिमिट x अप्रोच टू इन्फिनिटी, और x से डिवाइड करेंगे बेटा ये आ जाएगा 2, x से डिवाइड करेंगे 1 बाई एक्स, x से डिवाइड करेंगे 1, x से डिवाइड करेंगे 2 बाई एक्स। अब इसमें लिमिट इन्फिनिटी अगर पुट कर दें हम यहाँ पर, तो 2 माइनस 1 बाई इन्फिनिटी, 1 प्लस 2 बाई इन्फिनिटी, और सम फाइनाइट क्वांटिटी बाई इन्फिनिटी क्या होता है बच्चों? 0। तो ये क्या आ जाएगा? ये हो जाएगा आपका 0, ये वाला, ये पोर्शन क्या हो जाएगा बेटा? 0। तो क्या आ जाएगा? 2 माइनस 0 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 0, यानी कि 2 बाई 1 यानी कि 2, जैसा कि मैंने पहले ही बताया था आपको। इसमें आपने डिवाइड करना है एक्स स्क्वायर से, जितनी भी हाईएस्ट डिग्री की टर्म है उसी से आपने डिवाइड करना है, चाहे वो न्यूमिनेटर में है और चाहे वो डेनोमिनेटर में है। तो आप लिख देना डिवाइडिंग बाई एक्स स्क्वायर टू न्यूमिनेटर एंड डेनोमिनेटर बोथ, दोनों को ही एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दिया हमने। तो देखो एक्स स्क्वायर से डिवाइड किया, ये एक्स स्क्वायर कैंसिल होकर 3, यहाँ पर एक्स स्क्वायर से डिवाइड किया एक पावर बच जाएगी लोअर पार्ट में, यहाँ पर एक्स स्क्वायर से डिवाइड किया, यहाँ पर एक्स स्क्वायर से डिवाइड किया, यहाँ पर एक्स स्क्वायर से डिवाइड किया, यहाँ पर एक्स स्क्वायर से डिवाइड किया। अब लिमिट अप्लाई कर सकते हो आप, 3 प्लस 3 बाई इन्फिनिटी माइनस 6 बाई इन्फिनिटी का स्क्वायर इन्फिनिटी होता है, और 2 माइनस 5 बाई इन्फिनिटी और प्लस 1 बाई इन्फिनिटी स्क्वायर। तो बेटा ये 0 हो जाएगा, ये 0, ये 0, ये 0, फाइनली आंसर बन जाएगा आपका 3/2, जैसा कि मैंने पहले ही बताया था आपको। इसमें क्या है बच्चों, इसको भी एक्स स्क्वायर से डिवाइड करना आपने, इसको भी एक्स स्क्वायर से, चाहे तो आप दोनों का पहले प्रोडक्ट कर लीजिए फिर डिवाइड कर दीजिए, या फिर एक्स से इसको और एक्स से इस फैक्टर को, एक्स से इस फैक्टर को, एक्स से इस फैक्टर को डिवाइड कर सकते हो आप। तो लिमिट एक्स अप्रोच टू इन्फिनिटी, एक्स से डिवाइड करेंगे 3 माइनस 1 बाई एक्स, एक्स से फिर डिवाइड करेंगे इसको 4 माइनस 2 बाई एक्स, और एक्स से लोअर पार्ट के इस फैक्टर को डिवाइड करेंगे 1 प्लस 8 बाई एक्स, एक्स से इसको डिवाइड करेंगे बच्चों 1 माइनस 1 बाई एक्स। अब यहाँ पर एक्स की जगह इन्फिनिटी पुट करेंगे और 1 बाई इन्फिनिटी क्या हो जाएगा? 0, 2 बाई इन्फिनिटी 0, 8 बाई इन्फिनिटी 0, 1 बाई इन्फिनिटी 0। तो 3 माइनस 0, 4 माइनस 0 और 1 प्लस 0 और 1 माइनस 0, तो टोटल वगैरह करेंगे तो 12/1 आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट बेटा सेकंड का फोर्थ फिफ्थ और सिक्स पार्ट देखिए, यहाँ पर आंसर आ जाएगा आपका 1/4। रीज़न ये है इसके पीछे कि भाई अपर पार्ट की पावर है 3 हाईएस्ट डिग्री, यानी कि डिग्री यानी कि हाईएस्ट पावर, तो लोअर पार्ट की पावर भी क्या है 3, तो सेम डिग्री हो गई, तो आंसर क्या आ जाएगा आपका 1/4, यानी कि हाईएस्ट डिग्री का कोफिशेंट डिवाइडेड बाई हाईएस्ट डिग्री का कोफिशेंट, अगर सेम पावर है तो। एक्सप्लेनेशन से मैंने आपको बता ही दिया बेटा, इसको एक्स क्यूब से डिवाइड करना आपने, जितनी भी बड़ी पावर है उसी से डिवाइड करना, चाहे वो न्यूमिनेटर में है और चाहे वो डेनोमिनेटर में है, सभी क्वेश्चंस का यही मेथड है एक्सप्लेनेशन वाला। तो एक्स क्यूब से डिवाइड करेंगे 1, एक्स क्यूब से इसको डिवाइड करेंगे 1 बाई एक्स, और एक्स क्यूब से इसको डिवाइड करेंगे 6 बाई एक्स स्क्वायर, और एक्स क्यूब से इसको डिवाइड करेंगे 8 बाई एक्स क्यूब। ठीक ऐसे ही लोअर पार्ट में भी एक्स क्यूब से इसको डिवाइड करेंगे 4, एक्स क्यूब से इसको डिवाइड करेंगे 5 बाई एक्स स्क्वायर, और एक्स क्यूब से इसको डिवाइड करेंगे माइनस 8 बाई एक्स क्यूब। अब आप एक्स की जगह इन्फिनिटी पुट कर सकते हो, या इन्फिनिटी रखा जाएगा यहाँ, यहाँ, यहाँ और यहाँ, तो सम फाइनाइट क्वांटिटी बाई इन्फिनिटी क्या हो जाएगा? 0, ये 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 और ये और ये सारा क्या हो जाएगा? 0, आंसर आ जाएगा आपका 1/4। नेक्स्ट क्वेश्चन में जो है सबसे पहले आपने क्या कर लेना होता है बच्चों, जो हाईएस्ट डिग्री की टर्म है उनके कोफिशेंट पॉजिटिव बना लेने होते हैं। तो यहाँ पर हाईएस्ट डिग्री की जो टर्म है उसका साइन क्या है? नेगेटिव, तो इसलिए मैं इसमें से माइनस कॉमन ले लेता हूँ। अब तो माइनस लोअर पार्ट से मैंने कॉमन ले लिया, अपर पार्ट से कॉमन लेने की ज़रूरत है नहीं बच्चों आपको, रीज़न आप जानते हो कि हाईएस्ट डिग्री का ही कोफिशेंट पॉजिटिव बनाना होता आपने, जो कि ऑलरेडी पॉजिटिव है प्लस 1। अब क्या है, अब मैंने आपको ट्रिक बताई थी, अगर न्यूमिनेटर की पावर डेनोमिनेटर की पावर से ज़्यादा है तो उसका आंसर ज़्यादा ही आएगा, ज़्यादा मीन्स इन्फिनिटी। तो इसका आंसर आ गया बच्चों इस पूरे का इन्फिनिटी, और बाहर माइनस का साइन है तो माइनस इन्फिनिटी इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर भी हम आंसर बता सकते थे इसका माइनस इन्फिनिटी। अब ये तो हुआ ट्रिक के अकॉर्डिंग, अब एक्सप्लेनेशन से कैसे करना है ये बता देता हूँ बेटा मैं आपको। हाईएस्ट डिग्री आपने चेक करनी है जहाँ पर भी हो, चाहे न्यूमिनेटर में हो और चाहे डेनोमिनेटर में हो, आपने उससे डिवाइड कर देना है प्रत्येक टर्म को। तो डिवाइडिंग बाई एक्स
रेस टू द 8, लिमिट x अप्रोच टू इन्फिनिटी, इसको x रेस टू द 8 से डिवाइड करेंगे 1, इसको डिवाइड करेंगे 1 बाई एक्स की 5, और इसको डिवाइड करेंगे 2 बाई एक्स क्यूब एक्स रेस टू द 8, इसको x की 8 से डिवाइड करेंगे 3 बाई एक्स की 4, इसको x की 8 से डिवाइड करेंगे 1 बाई एक्स की 7, और इसको x की 8 से डिवाइड करेंगे 7 बाई एक्स की 8। अब आप इसमें लिमिट अप्लाई कर सकते हो इन्फिनिटी, या इन्फिनिटी पुट किया तो 1 बाई इन्फिनिटी 0 हो गया, 2 बाई इन्फिनिटी 0 होगा, 3 बाई इन्फिनिटी 0 हो गया, ये इन्फिनिटी हो गया, ये इन्फिनिटी हो गया, तो 1 बाई इन्फिनिटी बन गया बच्चों, ये सॉरी ये 1 हो गया, ये 1 बाई इन्फिनिटी 0, ये भी सारा 0, ये 0, ये 0 देखो, और सम फाइनाइट क्वांटिटी बाई इन्फिनिटी क्या हो गया, 0 माइनस 0 माइनस 0, यानी कि 0 लोअर पार्ट में आ गया 0, तो माइनस 1 बाई 0 आ गया, जिसको आप माइनस इन्फिनिटी बोल सकते हो। ठीक है ना, ठीक ऐसा ही क्वेश्चन है, देखो अपर पार्ट की पावर लोअर पार्ट की पावर से क्या है ग्रेटर, तो ऐसे क्वेश्चन में भी क्या आएगा आंसर इन्फिनिटी आएगा, लेकिन उससे पहले आपने क्या करना है, हाईएस्ट डिग्री की जो टर्म है उसका कोफिशेंट पॉजिटिव बना लेना है, और उससे भी पहले क्या करना होता है बच्चों, जब भी लिमिट माइनस इन्फिनिटी दे रखी होती है, देखो माइनस का साइन दे रखा है यहाँ पर, तो आपने क्या कर लेना है, एक्स को माइनस वाई पुट करके लिमिट को प्लस इन्फिनिटी बना लेना है। देखो लिमिट y अप्रोच टू क्या आ जाएगा अब, प्लस इन्फिनिटी, क्योंकि x की जगह माइनस वाई रखेंगे तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, y अप्रोच टू इन्फिनिटी आ जाएगा, x की जगह माइनस वाई रखे यहाँ पर, ये हो गया माइनस वाई क्यूब हो जाएगा बच्चों, ये यहाँ पर y रखेंगे माइनस वाई हो जाएगा, ये 1 SDG माइनस 4 SDG, यहाँ पर माइनस वाई का स्क्वेयर क्या आ जाएगा, प्लस वाई स्क्वेयर। अब क्या है, हाईएस्ट डिग्री के टर्म के कोफिशेंट को आपने पॉजिटिव बना लेना है, दोनों ही दोनों नेगेटिव हैं, तो अपर पार्ट से भी और लोअर पार्ट से भी माइनस का साइन बाहर निकालेंगे, तो ये वाई क्यूब प्लस वाई, और लोअर पार्ट में आ जाएगा 4y² - 1, अपर पार्ट से और लोअर पार्ट से माइनस वन मैंने कॉमन निकाल लिया। अब क्या है आंसर, आपको पता है इसका आंसर है इन्फिनिटी, एक्सप्लेनेशन से करवा देता हूँ मैं, आपने हाईएस्ट डिग्री देखनी है कितनी, वो चाहे अपर पार्ट में हो चाहे लोअर पार्ट में हो, उसी से आपने डिवाइड करना है, तो हाईएस्ट डिग्री है दोनों में से, ऊपर 3 नीचे 2, तो पावर ज़्यादा होगी 3, तो वाई क्यूब से आपने डिवाइड कर देना, ये 1 हो गया, वाई क्यूब से डिवाइड करेंगे 1 बाई वाई स्क्वेयर हो गया, वाई क्यूब से डिवाइड करेंगे 4 बाई वाई हो गया, वाई क्यूब से डिवाइड करेंगे 1 बाई वाई क्यूब हो गया। अब यहाँ पर हम इन्फिनिटी पुट करेंगे, 4 बाई इन्फिनिटी हो जाएगा 0, 1 बाई इन्फिनिटी हो जाएगा 0, 0 माइनस 0 0, 1 बाई इन्फिनिटी 0, तो अपर पार्ट आ गया आपका 1 और लोअर पार्ट आ गया आपका 0, तो फाइनल आंसर आपका आ गया इन्फिनिटी। नेक्स्ट बेटा थर्ड के 4 पार्ट्स, तो फर्स्ट पार्ट देख लीजिए, अपर पार्ट की पावर है हाईएस्ट डिग्री 1 और लोअर पार्ट की भी पावर कितनी है 1, तो आंसर आ जाएगा बच्चों अपर पार्ट में हाईएस्ट पावर का कोफिशेंट डिवाइडेड बाई लोअर पार्ट में हाईएस्ट पावर का कोफिशेंट, यानी कि आंसर आ जाएगा 1/2। तो एक्सप्लेनेशन से अगर आपको करना है ये, तो न्यूमिरेटर डेनोमिनेटर में जो भी हाईएस्ट डिग्री की टर्म है उसी से डिवाइड करना होता है, यहाँ पर तो सेम टर्म है, तो इसको x से डिवाइड किया मैंने, 1/1 आ गया x से डिवाइड होकर, यानी कि 1 आ गया अपर पार्ट में, इसको x से डिवाइड किया मैंने, देखो इन दोनों को x से डिवाइड किया मैंने, x से ऐसे, अब x को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया अलग अलग के नीचे, तो यहाँ पर जो x स्केयर जाएगा, ये x जाएगा बेटा, तो स्केयर लगा कर रूट लगा देंगे हम इसके ऊपर, स्केयर लगाया और फिर रूट लगा दिए, ठीक है ना, अब जो कंप्लीट जो टर्म है वो एक ही रूट के अंदर आ जाएगी ऐसे, अब x स्केयर को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, लिमिट x अप्रोच टू इन्फिनिटी, और 1/1 तो है ही यहाँ पर, और लोअर पार्ट में इसके नीचे एक्स स्केयर जाएगा तो ये 4 हो जाएगा, इसके नीचे एक्स स्केयर जाएगा तो 1/x² हो गया, ये अंडर द स्केयर रूट, और -1/x ऑलरेडी है यहाँ पर। अब यहाँ पर इन्फिनिटी पुट कर देते हैं हम, 1/∞ क्या हो गया 0, ये भी 1/∞ क्या हो जाएगा 0, तो ओवरऑल √4 - 0 यानी कि लोअर पार्ट में आ गया 2, अपर पार्ट में है 1, तो 1/2 आंसर आ गया आपका। यहाँ पर भी देखो हाईएस्ट डिग्री की टर्म है, हाईएस्ट डिग्री है जो अपर पार्ट की वो 2 है, लोअर पार्ट की भी 2, तो आंसर आ जाएगा 2/1 यानी कि 2। एक्सप्लेनेशन से करना चाहते हैं आप इसको,
तो एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दीजिए न्यूमिरेटर डेनोमिनेटर को। एक्स स्क्वायर से डिवाइड किया 2, एक्स स्क्वायर से डिवाइड किया 3 बाई एक्स, एक्स स्क्वायर से डिवाइड किया 4 बाई एक्स, और इसको एक्स स्क्वायर से डिवाइड करना आपने एक्स स्क्वायर से। देखिए ऐसे क्या करेंगे, स्क्वायर लगा कर इसके ऊपर, जो कि 4 हो जाएगी। स्क्वायर लगाने से पूरे का रूट हो गया। अब रूट जो है पूरी टर्म के ऊपर लिखेंगे हम, तो ये सिंप्लीफिकेशन में कन्वर्ट, यानी कि सिंप्लीफिकेशन हो जाएगी। यहाँ पर देखो x की 4 अलग अलग के नीचे लिखा जाएगा। अब लिमिट x अप्रोच टू इन्फिनिटी, और भाई 2 माइनस 3 बाई एक्स माइनस 4 बाई एक्स, और x की 4 इसके नीचे जाएगा 1, और x की 4 इसके नीचे जाएगा 1 बाई x की 4 अंडर द स्क्वायर रूट। यहाँ पर इन्फिनिटी पुट किया, 1 बाई इन्फिनिटी 0, 4 बाई इन्फिनिटी 0, और 3 बाई इन्फिनिटी भी क्या हो जाएगा 0। तो बच्चों ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, आंसर आ गया आपका 2 बाई 1 यानी कि 2। नेक्स्ट क्वेश्चन में फिर से हाईएस्ट डिग्री की जो टर्म है वो हाईएस्ट डिग्री है दोनों की, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर की सेम है, तो आंसर आ गया इसका। देखो हाईएस्ट डिग्री का कोफिशेंट है 2, लोअर पार्ट में इसका कोफिशेंट 1, इसका कोफिशेंट 1, तो 2 यानी कि 1 प्लस 1, प्लस का साइन है ना, तो आंसर आ जाएगा 2 बाई 2 यानी कि 1। अब एक्सप्लेनेशन से करना चाहते हैं आप, तो इसको आपने करना है डिवाइड एक्स से, न्यूमेरेटर डेनोमिनेटर की हाईएस्ट डिग्री की भी जो टर्म है उसी से डिवाइड करना है, तो सेम है ऊपर और नीचे, एक्स की पावर 1 है दोनों जगह। ये एक्स स्क्वायर है लेकिन ऊपर रूट लगा हुआ है बेटा, तो एक्स की पावर 1 कंसिडर होगी यहाँ पर, यहाँ पर भी एक्स की पावर 1 है, तो हाईएस्ट डिग्री लोअर पार्ट की कितनी है 1, और अपर पार्ट की भी कितनी है 1, तो एक्स से डिवाइड कर देते हैं इसको, तो 2 प्लस 7 बाई एक्स, इसको भी x से डिवाइड कर देते हैं। देखो x से डिवाइड करना है इन दोनों को आपने, तो x से डिवाइड इसको और x से डिवाइड इसको, x से डिवाइड अपर पार्ट हो ही चुका है। अब एक्स स्क्वायर लगाकर पूरे के ऊपर रूट लगा सकते हो आप, एक्स स्क्वायर लगाकर कंप्लीट के ऊपर रूट लगा सकते हो। ऐसा करने से सिंप्लीफिकेशन हो जाएगा। अब यहाँ पर एक्स स्क्वायर अलग अलग के नीचे चला जाएगा, देखिए ये है 7 बाई एक्स और ये है 2, तो एक्स स्क्वायर के नीचे एक्स स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा, ये 3 बाई एक्स स्क्वायर हो गया, 3 बाई एक्स स्क्वायर, और बेटा प्लस का साइन है यहाँ पर, एक्स स्क्वायर के नीचे एक्स स्क्वायर गया 1, और ये हो गया 9 था ये 9 बाई एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। तो यहाँ पर इन्फिनिटी पुट करेंगे, 3 बाई इन्फिनिटी हो जाएगा 0, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, तो आंसर आ गया 2 बाई 1 प्लस 1 यानी कि 2 बाई 2 1। नेक्स्ट है देखो, ये है क्वेश्चन, इसमें रैशनलाइज करना पड़ेगा। इसको रैशनलाइज करने से आप ये टाइप में कन्वर्ट कर सकते हो, जो टाइप हम इस एक्सरसाइज में पढ़ने लग रहे हैं कि लिमिट इन्फिनिटी आ जाए, अपर पार्ट लोअर पार्ट में वेरिएबल आ जाए, तो यहाँ पर लोअर पार्ट में कॉन्स्टेंट है, तो इसको रैशनलाइज अगर मैं कर दूँ तो फिर ये ऐसा ही क्वेश्चन बन जाएगा जैसे हमने अब तक किए हैं। तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 अंडर द रूट माइनस एक्स, इसको आपने मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देना है इस टर्म से, यानी कि मैंने क्या किया, रैशनलाइजिंग टू द न्यूमिरेटर, न्यूमिरेटर से इसको रैशनलाइज कर दिया बेटा। अपर पार्ट में हो गया देखो a माइनस बी ए प्लस बी, लिमिट x अप्रोच टू इन्फिनिटी है ये, तो a माइनस बी ए प्लस बी क्या आ जाएगा, ए स्क्वेयर, यानी कि इस टर्म का स्क्वेयर, तो रूट हट गया इसके ऊपर से, और माइनस बी स्क्वेयर यानी कि माइनस एक्स स्क्वेयर, और लोअर पार्ट एज इट इज एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स प्लस 1 अंडर द रूट और प्लस एक्स, ये इसे कैंसिल हो गया। अब देख सकते हो आप अपर पार्ट की पावर कितनी है 1, लोअर पार्ट की पावर भी कितनी है हाईएस्ट डिग्री 1, तो आंसर आ गया अपर पार्ट में एक्स की 1 का कोफिशेंट 1 है, लोअर पार्ट में एक्स की 1 का कोफिशेंट यहाँ पर क्या है बच्चों 1, 1 का रूट यानी कि 1, और यहाँ पर भी क्या है 1, तो आंसर आएगा आपका 1 बाई 2। आप चाहें तो इसको एक्स से डिवाइड कर सकते हैं, एक्सप्लेनेशन से हो जाएगा ये क्वेश्चन आपका, लिमिट एक्स अप्रोच टू इन्फिनिटी डिवाइडिंग बाई एक्स टू न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर, तो एक्स से डिवाइड किया 1, एक्स से डिवाइड किया 1 बाई एक्स, एक्स से इसको डिवाइड कर दिया हमने, देखो एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स प्लस 1, एक्स से डिवाइड कर दिया इसको और एक्स से इसको डिवाइड कर दिया। अब स्क्वेयर लगाकर कंप्लीट के ऊपर रूट लगा सकते हैं, और ये जो एक्स स्क्वेयर है लोअर पार्ट में ये अलग अलग के नीचे जाएगा, एक्स स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर, तो यहाँ पर एक पावर हट जाएगी इसकी, 1 बच गया अपर पार्ट में, यहाँ पर पूरी तरह कैंसिल होकर 1 आ जाएगा। अब लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये हो गया 0, इन्फिनिटी भरने के बाद ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, तो आंसर आ गया 1 बाई 1 प्लस 1 यानी कि 1 बाई 2।
नेक्स्ट बच्चों फिफ्थ पार्ट देखिए, ठीक वैसा ही पार्ट है जैसे फोर्थ में हमने किया था। इसको रैशनलाइज कर देते हैं, न्यूमरेटर से रैशनलाइज कर देते हैं बेटा। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को इसका साइन चेंज करके मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं, यानी कि न्यूमरेटर को भी मल्टीप्लाई कर देते हैं, डिनोमिनेटर को भी मल्टीप्लाई। तो ऐसा करने से a माइनस बी ए प्लस बी लग जाएगा ऊपर, जो कि हो जाएगा ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। अभी अभी किया था मैंने, पिछले क्वेश्चन को देख सकते हो आप बिल्कुल। और लोअर पार्ट में आ जाएगा 2x प्लस 4x स्क्वेयर प्लस एक्स अंडर द स्क्वेयर रूट, यानी कि मैंने इससे ऊपर मल्टीप्लाई किया, इसी से नीचे मल्टीप्लाई किया, तो ऊपर यहाँ पर प्लस की टर्म आ जाएगी साथ में, तो माइनस की ये है, तो ए माइनस बी ए प्लस बी लगा दिया मैंने, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। अब इसको सोल्व करेंगे तो लिमिट आ गई आपकी एक्स अप्रोच, ये लिमिट तो सेम है ही, तो 4x स्क्वेयर है ये, माइनस 4x स्क्वेयर जीरो हो जाएगा और माइनस एक्स आ जाएगा अपर पार्ट में। लोअर पार्ट में है 2x प्लस 4x स्क्वेयर प्लस एक्स। तो भाई सबसे पहले माइनस का साइन बाहर ले लेते हैं, आईएस डिग्री की टर्म हमेशा पॉजिटिव रखनी है आपने, ठीक है ना, ताकि कोई मिस्टेक ना हो। अब ऊपर पावर क्या है 1, नीचे भी क्या है 1, और यहाँ पर भी क्या है बेटा 1। देखो ये 2 है लेकिन ऊपर रूट लगा हुआ है, तो हाईएस्ट डिग्री अपर पार्ट लोअर पार्ट की बिल्कुल सेम है, तो आंसर आ जाएगा अपर पार्ट में हाईएस्ट डिग्री का कोफिशेंट डिवाइडेड बाई लोअर पार्ट की हाईएस्ट डिग्री की टर्म का कोफिशेंट 2, और यहाँ पर 4 का रूट आ जाएगा 2, बीच में प्लस का साइन, देखिए आंसर आ जाएगा 1/4। एक्सप्लेनेशन से करना चाहें आप तो न्यूमिरेटर डिनोमिनेटर दोनों को एक्स से डिवाइड करके और फिर लिमिट भर देना, ठीक ऐसा ही है। देखो इसको रैशनलाइज करना हमने, मैं यहीं कर देता हूँ इसको रैशनलाइज, एक्स स्क्वेयर माइनस 8x अंडर द रूट और प्लस एक्स, इससे आप माइनस एक्स, सॉरी प्लस का साइन तो ऑलरेडी है इसमें, माइनस लगाना है, तो इससे आपने इसको मल्टीप्लाई डिवाइड कर देना, देखो इस तरीके से। तो लिमिट एक्स अप्रोच टू माइनस इन्फिनिटी और एक्स स्क्वेयर माइनस 8x ए प्लस बी ए माइनस बी, यानी कि ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, और डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वेयर माइनस 8x और अंडर द रूट और माइनस एक्स, ये इसे कैंसिल हो गया। अब आप चाहें तो इसको डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं इसका, या फिर x से डिवाइड कर सकते हैं। और उससे भी पहले मैंने आपको बता रखा कि लिमिट को प्लस इन्फिनिटी बना लेना आपने, तो x को माइनस वाई पुट करेंगे तो लिमिट आ जाएगी यहाँ पर y अप्रोच टू इन्फिनिटी, यहाँ पर x की जगह माइनस वाई पुट किया तो 8y हो गया, ये पॉजिटिव 8y। यहाँ पर x की जगह माइनस वाई पुट किया ये प्लस वाई स्क्वेयर हो जाएगा, x की जगह माइनस वाई पुट किया प्लस 8y हो गया, और x की जगह माइनस वाई पुट किया प्लस वाई हो गया। अब आप इसका आंसर जानते हो ये बच्चों, देखो हाईएस्ट डिग्री अपर पार्ट की 1 है तो उस टर्म का कोफिशेंट आ गया 8, लोअर पार्ट में यहाँ पर भी 1 है, इस टर्म का कोफिशेंट 1, प्लस का साइन, यहाँ पर भी क्या है 1, इसका कोफिशेंट 1, तो 8/2 कितना आ गया यहाँ पर 4, ठीक है ना। नेक्स्ट है और इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है ये, देखो अपर पार्ट लोअर पार्ट की पावर बिल्कुल सेम है, तो आंसर फाइनली क्या आ जाना है इसका 1, आंसर इसका 1 है बच्चों, क्योंकि हाईएस्ट डिग्री ऊपर 1/2 है, नीचे भी 1/2, तो उनके कोफिशेंट हो गए 1 1। लेकिन अगर आप इसको एक्सप्लेनेशन से करना चाहते हैं तो आप इसको रूट एक्स से डिवाइड कर सकते हो अपर पार्ट लोअर पार्ट को, तो अपर पार्ट को रूट एक्स से डिवाइड किया मैंने, तो जनरल सी बात है ऊपर क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, और नीचे रूट एक्स से ऐसे डिवाइड कर दिया। अब ये जो रूट है ये कम्प्लीट टर्म के ऊपर लग जाएगा ऐसे, और एक्स इन दो टर्म के नीचे अलग अलग से हो जाएगा। फिलहाल आपके पास दो ही टर्म है एक्स अप्रोच टू इन्फिनिटी, तो 1/ एक्स के नीचे एक्स आएगा 1 हो जाएगा, और यहाँ पर x गया, x प्लस रूट एक्स है ये, तो यहाँ पर x गया देखो। अब इसमें स्केयर लगा कर रूट लगा देंगे, और ये जो रूट है ये कम्प्लीट टर्म के ऊपर लगा देंगे ऐसे। अब जो एक्स स्केयर है, जो एक्स स्केयर, वो अलग अलग टर्म के नीचे लिखेंगे, लिमिट x अप्रोच टू इन्फिनिटी 1/1 प्लस एक्स स्केयर के, x के नीचे एक्स स्केयर जाएगा तो 1/x बच जाएगा, और x की 1/2 के नीचे एक्स स्केयर जाएगा तो x की 3/2 बच जाएगी नीचे पावर, और अंडर द स्क्वायर रूट ये है ही। अब लिमिट अप्लाई करेंगे तो इन्फिनिटी यहाँ, इन्फिनिटी यहाँ, तो 1/∞ हो गया 0, ये भी 0 हो गया, तो ये टोटल 0 हो गया, और 1/1 आंसर आ जाएगा आपका 1। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा फोर्थ का फर्स्ट पार्ट देखिए, अपर पार्ट की पावर है स्केयर यानी कि 2 पावर, लोअर पार्ट की भी पावर 2 है, तो ऐसा क्वेश्चन हम कर भी चुके एक्स में इसी वीडियो में,
तो आंसर आ जाएगा सीधा, देखो इसका कोफिशेंट टू, इसका कोफिशेंट वन, तो प्रोडक्ट करेंगे तो कोफिशेंट आ गया टू, इसका कोफिशेंट थ्री, इसका कोफिशेंट वन, तो प्रोडक्ट करेंगे तो आंसर आ गया यानी कि टू बाई थ्री। हाइएस्ट डिग्री की टर्म का कोफिशेंट अपर पार्ट की और ठीक लोअर पार्ट की जो हाइएस्ट डिग्री की टर्म है उसका कोफिशेंट, अगर डिग्री सेम है तो अपर पार्ट लोअर पार्ट की। यहाँ पर देखिए ये ओड टर्म का सम है, तो ओड टर्म का सम डायरेक्ट आप लिख सकते हो एन स्क्वेयर, अगर टर्म क्या हो कॉन्जेक्टिव ओड हो तो, आपके पास सारी टर्म कॉन्जेक्टिव ओड है तो उसका सम आ जाएगा एन स्क्वेयर। अगर आप ऐसे नहीं करना चाहते तो इसका एपी का सम निकाल लीजिए, एपी है ये, तो आंसर आ जाएगा एन बाई टू, यानी कि सम आ जाएगा इसका, देखो अपर पार्ट का एन बाई टू, टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, डी है बच्चों यहाँ पर टू, तो सोल्व करेंगे तो टू प्लस टू एन माइनस टू, तो ये कैंसिल होगा, इससे एन बाई टू ऑलरेडी है तो एन बाई टू इंटू टू एन, तो टू से टू कैंसिल होगा, एन स्क्वेयर आ जाएगा। तो इसके ट्रिक याद कर लीजिए आप सीधे बच्चों, कि अगर कॉन्जेक्टिव ओड है आपके पास, कॉन्जेक्टिव ओड है एन, कॉन्जेक्टिव ओड है तो उन सभी का सम होता है ऑलवेज एन स्क्वेयर, अगर एन है तो। अगर मान लो एक से लेकर सौ तक के आपके पास नंबर हैं, सॉरी एक से लेकर 100 तक के ओड नेचुरल नंबर का सम करना आपने, एक से लेकर 100 तक के ओड नेचुरल नंबर का, तो बच्चों एन की वैल्यू यहाँ पर 100 नहीं होगी, क्योंकि एक से लेकर 100 तक में 50 ही केवल क्या होंगे ओड होंगे, तो एन स्क्वेयर यानी कि 50 का स्क्वेयर 2500 आपका सम आ जाएगा, सभी ओड नंबर का सम। 1 से लेकर 1000 तक बोल दिया जाए तो वहाँ तक आपके 500 ओड नंबर होते हैं, तो उन सभी का सम आ जाएगा 500 का स्क्वेयर। और ईवन का आता है इस फार्मूले से एन इंटू एन प्लस वन से। मान लो आपसे कोई ये पूछ ले कि भाई एक से लेकर 100 तक के सभी ईवन नेचुरल नंबर का सम निकालिए, यानी कि एक से लेकर 100 तक के सभी ईवन का सम निकालिए, तो एक से लेकर 100 तक जो ईवन होते हैं वो 50 होते हैं, तो 50 इंटू 50 प्लस वन, ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना, ये आंसर आ जाएगा। तो ईवन सभी ईवन कॉन्जेक्टिव का सम निकालने का ये फार्मूला है, सभी ओड कॉन्जेक्टिव का सम निकालने का ये फार्मूला है, और एन है नंबर ऑफ टर्म ना कि लास्ट टर्म, तो भाई एन स्क्वेयर से एन स्क्वेयर कैंसिल हो गया और वन आ गया, और वन आ गया तो वन के ऊपर कोई लिमिट अप्लाई होती नहीं, कभी भी एन कहीं पर भी जाता रहे बेशक से वन तो अपनी प्लेस पर ही रहता है, तो आंसर आ गया इसका वन। वैसे भी ट्रिक के अकॉर्डिंग भी वन आ गया, अपर पार्ट की पावर टू है, लोअर पार्ट की पावर टू है, उन दोनों के कोफिशेंट का कोसेंट ही आंसर होता है। समेशन एन स्क्वेयर का मीनिंग है बच्चों वन का स्क्वेयर प्लस टू का स्क्वेयर प्लस थ्री स्क्वेयर प्लस एंड सो ऑन फोर स्क्वेयर प्लस एन स्क्वेयर, ये होता है समेशन एन स्क्वेयर, यानी कि एन की जगह वन से लेकर एन तक पुट करते जाओ और ऐड करते जाओ, एन क्यूब ये है ही, और लिमिट एन अप्रोच टू इन्फिनिटी। तो बेटा इस सभी सीरीज का सम हम कर चुके 9 चैप्टर में सीक्वेंस एंड सीरीज में, इसका प्रूफ भी कर चुके वीडियो में, वैसे मैंने अभी करवाया नहीं है, 9 चैप्टर बचा हुआ है वो मैं करवा देता हूँ आपका, इसके बाद इस चैप्टर के बाद ही करवाएंगे इसको। तो इसका सम आ गया बच्चों एन इंटू एन प्लस वन, टू एन प्लस वन डिवाइडेड बाई सिक्स, और एन क्यूब लोअर पार्ट में है ही बेटा, तो अपर पार्ट में भी पावर कितनी आ गई 3, लोअर पार्ट में भी 3 आ गई, तो आंसर आ गया अपर पार्ट की जो 3 पावर है 3 डिग्री की टर्म है उसका कोफिशेंट, तो ये आ जाएगा 2n स्क्वेयर 2n क्यूब, तो अपर पार्ट में n क्यूब का कोफिशेंट आ गया 2, लोअर पार्ट में आ गया 6, तो आंसर आ गया 1/3। चाहें तो आप इसको n क्यूब से डिवाइड करके लिमिट अप्लाई करके भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है बच्चों इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, तो भाई इन सभी का सम कर लेते हैं हम, लोअर पार्ट में तो बच्चों एन स्क्वेयर, सभी के डेनोमिनेटर में क्या है एन स्क्वेयर, तो एलसीएम आ गया एन स्क्वेयर, अपर पार्ट आपका 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस एंड सो ऑन प्लस एन माइनस 1, तो इस पूरी सीरीज का सम करते हैं हम। देखिए ये क्या है नेचुरल नंबर का सम, तो नेचुरल नंबर का सम होता है लास्ट टर्म इंटू लास्ट टर्म प्लस वन, लास्ट टर्म प्लस वन करेंगे तो एन और डिवाइडेड बाई टू, एन स्केयर ऑलरेडी है ये लोअर पार्ट में, ठीक है ना, एन इंटू एन प्लस वन होता है ना इसका सम, देखिए वन प्लस टू प्लस थ्री प्लस एंड सो ऑन प्लस एन, तो इसका सम होता है बेटा एन इंटू एन प्लस वन बाई टू, ये सम होता है इसका, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या है एन माइनस वन, तो यहाँ क्या आ जाएगा एन माइनस वन, फिर इसमें वन ऐड करेंगे तो एन आ जाएगा डिवाइडेड बाई टू,
ये कैसे आया फार्मूला, ये पी के सम से आया। देखिए एन बाई टू ब्रैकेट टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी से ए की जगह वन और डी की जगह वन रख दीजिए, आंसर आ जाएगा आपका ये। इसको भी ए पी के सम से निकाल सकते हो आप। अब देखिए ऊपर जो है हाइएस्ट डिग्री जो है अपर पार्ट की वो है टू, लिमिट एन अप्रोच टू इन्फिनिटी ये है एन स्केयर माइनस एन डिवाइडेड बाई टू एन स्केयर। तो बच्चों सेम डिग्री होगी अपर पार्ट लोअर पार्ट की, तो आंसर आ जाएगा अपर पार्ट में हाइएस्ट डिग्री की टर्म का कोफिशेंट और लोअर पार्ट में उसी डिग्री यानी कि सेम डिग्री होगी तो हाइएस्ट डिग्री इसकी भी टू होगी तो उसका कोफिशेंट उस टर्म का कोफिशेंट, तो आंसर आ गया वन बाई टू। तो बच्चों मेरी तरफ से ये एक्सरसाइज कंप्लीट हुई, आप अच्छे से रिवाइज करो, फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो आप कॉमेंट सेक्शन में लिख सकते हो।